हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं आपका भाई उज्जवल उपाध्याय। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टीएडी और एनवाईएस के बीच के मैच है। और मैं आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कोई मैच है ही नहीं। आप पूछो कौन सा मैच है, 2 लाख 3 लाख का प्राइस पूल का मैच भरा पड़ा है, पूरा प्राइस पूल, फर्स्ट प्राइज नहीं। कौन सा मैच कवर किया जाए, तो ये मैच कवर किया जा रहा है टीएडी और एनवाईएस का T10 का मैच है। एक बात बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बहुत अच्छे अच्छे खेलने वाले इस मैच के लिए। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और जानेंगे बहुत बेहतर बेहतर खिलाड़ी हैं, ठीक है। बस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता मैच है जो फर्स्ट मैच है और ज़्यादा प्राइस पूल के साथ है। 5 बजे से ये मैच होने वाला है शाम को, T10 का मैच है। और हाँ, T10 से ही याद आया, इसके बारे में बताएंगे कितना इन्वेस्ट करना ही करना। हमने हर एक लीग के अंदर विनिंग कराया है, कहीं पे आप ये नहीं बोल सकते कि विनिंग हमने नहीं कराया है। हर एक लीग के अंदर, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग तो भाई मतलब एकदम हवे में, हेड टू हेड तो आप गोली ही मार दो उसको, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। तो विनिंग देख लीजिए, ऐसा विनिंग होता है। और फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। विनिंग पहले देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपका आँख जो है वो ये मान पाए कि हाँ पैसा तो विनिंग होता है। और ये कुछ पुराने विनिंग्स भी हैं, नए विनिंग्स सारे टेलीग्राम पे डाले गए हैं, तो टेलीग्राम पे विनिंग देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे नए विनिंग अपडेट किया है हमने। BBL अभी शुरुआत होने वाला है तो एकदम धैर्य बना के रखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। महिला का ख़त्म होगा और पुरुष का चालू, तो ज़रूर से आप लोग चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि नया लीग स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मैच को। लेकिन इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जो कि मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड बोलता हूँ, कि आपको इसका फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। टॉस होने के बाद कंडीशंस चेंज होते हैं और कंडीशंस चेंज होते हैं तो फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। अब वीडियो को भगाना मत, क्योंकि क्यों मत भगाओ, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फाइनल टीम कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम आपको अवश्य से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, अवश्य एकदम आपको फाइनल टीम टेलीग्राम मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर होगा। और देखिए, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे में ज्वाइन बटन आएगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि बिना ज्वाइन किए, ज्वाइन करेंगे नहीं आप, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे टीम आपको नहीं मिल पाएगा। तो ज्वाइन का बटन आएगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही आप जाएंगे ना लिंक पे क्लिक करके, तो चैनल पे जाएंगे तो नीचे में ऑप्शन आएगा ज्वाइन का, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं मेन इंपॉर्टेंट बात क्या बोलना चाहता था, मैं ये बोलना चाहता था कि एक ये T10 है और एक अपना ECS का T10 होता है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पूछो क्यों आप, देखो लीग तो शुरू हो गया सो हो गया, ठीक है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए है क्योंकि भाई मेरे, ये T10 और वो T10 में फ़र्क ये है कि उसमें विकेट कीपर भी बॉलिंग करता है, उसमें बैट्समैन भी बॉलिंग करता है। मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें विकेट कीपर भी बॉलिंग करता है, उसमें बैट्समैन भी बॉलिंग करता है, उसमें ऑलराउंडर तो एकदम ओपनिंग कर लेता है, विकेट कीपर ओपनिंग करता है, बैट्समैन एकदम, बैट्समैन सबसे ज़्यादा मार खाता है, मैं सच बोल रहा हूँ। बैट्समैन को एकदम कर देते हैं, जाओ भैया एकदम बाहर, एकदम दूर। और बॉलर का तो क्या ही बोले, बॉलर तो एकदम शुरुआत में ओपनिंग भी कर लेता है T10 ACS में। तो ECS से इसका बहुत 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 बुरा कंडीशन है, मैं सच बता रहा हूँ। इसमें आपका पैसा आने का चांस रहेगा 20% और जाने का चांस रहेगा 80% उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें पैसा जाता किसी का नहीं है जल्दी, उसमें पैसा आता बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी नहीं जाएगा, आप लोग सीख लेंगे तो आपका इसके अंदर भी नहीं जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जानना ज़रूरी। देखिए, क्योंकि इसमें बैट्समैन ओपनिंग करेंगे भाई, और T10 है, दो दो ओवर बॉलर कराने वाले हैं, दो दो ओवर बेचारे फेंकने वाले हैं, तो दो दो ओवर फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है कि इतने बॉलर भरे पड़े हैं, रुकना आप, इतने बॉलर हैं इसमें से दो दो ओवर फेंकने वाले हैं, दो से ज़्यादा कोई नहीं फेंकेगा, कोई एक भी फेंकेगा, क्योंकि 10 ओवर का मैच होगा, तो विकेट तो गिरेगा और वो भी धाराधार सबका। और इसमें ऐसा नहीं है कि बॉलर भी है तो ओपनिंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता इसमें, इसमें सिर्फ बॉलर है तो बॉलिंग ही करने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है, ऐसे वैसे प्लेयर तो है नहीं भाई, अरे गहरा, ठीक है। अब ये तो हमने जान लिया कि ये उस ECS से बहुत डिफरेंट है, ये उस T10 से, ये T10 बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ये 0 पे कभी आउट हो जाएंगे और तुरंत से मारने के चक्कर में रहते हैं, तो ये कभी 0 पे आउट हो जाएंगे, तो इसमें जो है ये ऐसा होता रहता है, नॉर्मल है एकदम नॉर्मल, और जो एकदम बिल्कुल पागल की तरह आए वो रन बना के चला जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यही एक लौता मैच है, और भी मैचेस हैं इसके बाद इसी के, तो वो आपको मिल जाएंगे UAE में हो रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। देखिए,
बैटिंग को लेकर के कहीं से कोई डाउट मत करना। देखिए यहाँ से यहाँ तक आ पाओगे तो बॉलिंग कराने का चांस बहुत ही कम दिखेगा आपको। एक हुसैन है जो कर लिया था, खेल लिया था, बाकी भाई यहाँ पे बॉलिंग का चांस तो हटा ही दो। बॉलिंग करने में कौन कौन है, जैसे नूर अहमद हो गए, ये हो गए, रईस हो गए, ये हो गए, तो ये कुछ हैं जो कि बॉलिंग करने में कैपेबल हैं। इनके बाद ज़्यादा चांस नहीं मिलता है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इनको भी मिल जाए, बहुत सारे लोग हैं उनको मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो टूपले बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर कर रहे हैं, पाथी राणा, सुनील नारायण बॉलिंग, मतलब दो दो ओवर पाथी राणा और सुनील नारायण ने किया था, मोहम्मद आमिर ऐसे ही टूपले ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। अब भाई देखिए हुसैन है बॉलिंग कर लिया, तो अब भाई पोलर्ड को बॉलिंग सोच रहे हो तो भैया थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इनको सोचो थोड़ा मुश्किल है, ऑलराउंडर का मतलब यानी कि बॉलिंग कर लेगा वो, ध्यान रखना आप, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये तो आप समझ गए कि जो बॉलिंग कर रहा है उसे बैटिंग का बहुत ही कम चांस है, इसीलिए जो बैटिंग कर रहा है विकेट तो खटाखट गिरता है टी10 में, कोई डाउट तो है नहीं, खटाखट गिरेगा। रन बनाने का भाई अब आप ही सोचो, 60 बॉल पे पूरा मैच ही खत्म है, ठीक है। चलिए पिच बैलेंस्ड है, फास्ट बॉलर को सपोर्ट है, पिच बैलेंस्ड है, फास्ट बॉलर को सपोर्ट है, बॉलिंग लाइन को आपको ज़्यादा सपोर्ट करना है, इस बात का हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बॉलिंग में आ रहे लोग और तीन तीन चार चार विकेट मार के चले जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान देना, बॉलिंग में ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा भी, तो इस बात को हमेशा अपने ध्यान में। अच्छा सब्स्टिट्यूट प्लेयर का रोल क्यों दे दिया भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये तो आईपीएल सारे जगह पे ला दिए ये लोग, एलिवेंस हो गए, एली हो गए, तो ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पे आ रहे हैं, तो मैं इसका जो है फाइनल आपको बता दूंगा, इसमें आपको इशू नहीं है, एकदम सोचना नहीं है इसके बारे में। चलिए तो डायरेक्टली जानते हैं, देखिए रन दिखा रहा है 107 रन, जो कि भाई 107 मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, कम भी लग सकता है, लेकिन 107 रन तो मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कम भी लग सकता है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता, विकेट अगर धराधर गिर जाए। अभी रिसेंट में जो मैच 2024 में खेले गए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप खुद देख लीजिए, क्या देख रहे हैं आप, विकेट गिर रहा है भाई, 10-10 विकेट भी गिर जाता है। इसमें क्या होता है पता है आपको, जब अगर सामने वाली टीम का पूरा विकेट लूज़ हो गया ना, तो भाई यहाँ पे सामने वाला फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जहाँ से भी गिरा हो, इनका 7 गिरा तो इनका 1 ही गिरा है, यहाँ पे इन्होंने 8 गिरा दिया, इन पे इनका 3 ही गिरा, देख रहे हैं आप, ये होता है। मान लीजिए इसका 10, इनका 10 विकेट गिर गया तो यहाँ 125 रन बना दिया 6 विकेट पर, ऐसा होता है भाई मेरे। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा विकेट गिर जाता है ना एक तरफ से और रन कम बनता है ना, तो सेकंड वाले का थोड़ा कम ऐसा होता है कि विकेट गिरे, ऐसा होता है। मान लीजिए जल्दी उसका विकेट गिर गया तो फिर इनका एडवांटेज हो जाता है, वो तो आप भी जानते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसमें क्या कहोगे आप, इसमें आप यही बोलने वाले हो कि NYS वैसे दिखा रहा है कि थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं NYS, बट भाई सच बोलें तो बॉलिंग में तो जलवा है TAD का, इसमें तो कोई बोलना ही नहीं। हालांकि जो इधर NYS के भी, ये भी बेहतर ही हैं, ठीक है, ओके। सो अब भाई क्या रहता है, अब मेन बात ये है कि इस एट द सेम वेन्यू रिकॉर्ड्स यहाँ पे काफ़ी हैं, जैसे कि खेले हैं यहाँ पे जॉनी भाई, अपने जॉनी ब्रिस्टो, पी सॉल्ट, अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अच्छे पी सॉल्ट तो क्या स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हो समझ नहीं आ रहा है, और मायर्स भी खेल रहे हैं ऐसा नहीं है, तो भाई बॉलिंग में इनका रिकॉर्ड अच्छा है आधीर का, और बाकी हुसैन भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ठीक है, गुड ओके। चलिए टीम बनाने चलते हैं भाई, पी सॉल्ट को लेना पड़ेगा, ठीक है, और फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगा दोस्तों। देखिए फेरीरा जो है, फेरीरा कर रहे हैं मैच के अंदर, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डिफरेंशियल के तौर पे फेरीरा को ले सकता हूँ, बट फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। जॉनी ब्रिस्टो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनकी बात करें भाई, अगर आप डिफरेंशियल देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इग्नोर करने वाला हूँ। एलिवेंस मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, जैसे कि मैच स्टार्ट होगा तब। यहाँ देखिए दो मैच के अंदर कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया एलिवेंस, हालांकि प्लेयर बहुत अच्छा है जो अपना वेस्ट इंडीज़ का ये प्लेयर है, ये वेस्ट इंडीज़ के लिए टॉप स्कोरर है, मैं बता दूं आपको, अच्छा प्लेयर है वेस्ट इंडीज़ का। ब्रेविस की बात करें भाई, देखिए पिछले मैच के अंदर परफॉर्म किया है और टीम प्रॉपर चांस भी दे रही है ओपनिंग करने के लिए, तो अगर देखिए प्लेयर के अंदर कोई डाउट नहीं है, ओपनिंग दिया टीम ने, तो जाहिर सी बात है प्लेयर बुरा नहीं है, है ना, तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मुझे कंसिस्टेंट नज़र नहीं आते, दैट्स व्हाई आई नॉट प्रेफर, ठीक है, ओके, आई एम नॉट प्रेफर। सो यहाँ पे सुनील नारायण इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वो इस लिहाज से कि चलो बॉलिंग से कुछ कर लेंगे, ना कि अब सुनील नारायण को कैप्टन ही दे दो भैया कि यहाँ पे बैटिंग भी कर लेंगे और बॉलिंग भी कर लेंगे, तो ये तो सपना भूल ही जाना कि ऑलराउंडर को दे देंगे कि बैटिंग कर लेगा बॉलिंग कर लेगा भाई पॉइंट दे देगा, ऐसा नहीं है, टी10 है भाई, विकेट खटाखट गिरे पूरा तब जाके कुछ काम बनने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से रहने देना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुनील नारायण को ही कैप्टन कर दो भाई, ये क्या है, पागलपन मानूंगा मैं, पागलपन, ठीक है। चलिए मायर्स की बात करें, देखिए टीम चांस दे रही है और खेल भी रहे हैं, और खेल रहे हैं तो पॉइंट भी बना रहे हैं, ठीक है, कभी कभार बॉलिंग भी मिल जाता है, बट देख लीजिएगा क्या करना है आपको। मायर्स को आप वैसे लेके चल सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए खेलने को मिल जाता है,
ओके पोलर्ड, पोलर्ड को देखें, पोलर्ड को भाई मेरे लेना है, आप ले सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। वैसे टीम जो है चांस तो दे रही है, पोलर्ड को डिफरेंशियल आप देख रहे हो सो आप जा सकते हैं। मैं फिलहाल प्रेफर नहीं कर रहा, आधीर को मैं प्रेफर कर रहा हूँ भाई, उसके बाद नीचे तो भाई खाई है। बॉलिंग इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है इनको, इनको पातिराना हुसैन मोहम्मद आमिर तो ये जो हैं, जैसे ये खेलते हैं तो इनको लेके चल लेना, आँख मूंद के अच्छे कर रहे हैं फिलहाल में तो। ओके तो टू प्ले को ले लेते हैं भाई, उस मैच के अंदर भी अच्छा किया है जो आप देख रहे हैं रिसेंट मैच के अंदर, तो ठीक है दो ओवर मिलेगा। रेस की बात करें भाई लेके चलना पड़ेगा भाई, अब कुछ बच रहे हैं जिसपे कुछ क्या मतलब एक दो हैं, एक ये हो गए अपने, तो इनको तो छोड़ा भी नहीं जा सकता यार, ऐसे देख के ही लग रहे हैं तो बुरा लगेगा है ना, बुरा लगेगा तो क्या किया जाए, किया कुछ नहीं जाएगा। मायर्स को लेकर के थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, और भाई अब मैं इतना लिमिटेड ले रखा हूँ, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा खुद ही, ठीक है। लेकिन पिच जो है वो बोल रहा है कि यहाँ पे बैलेंस्ड है, यानी कि विकेट गिरने वाला है, तो अगर आप जो मायर्स को हटाना चाहते हो तो आप डिफरेंशियल हटा सकते हो, मुझे कुछ उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मायर्स को वैसे चांस मिल रहा है खेलने के लिए और बेहतर प्लेयर तो अच्छा है, कोई दिक्कत तो है नहीं मुझे। तो मैं एक ये बात बोल रहा हूँ कि मैं नूर अहमद, अच्छा नूर अहमद के ऊपर देखिए बिल्कुल आपको मिस्टेक नहीं करना है, नूर अहमद एक छूट रहे हैं और एक अपने ये छूट रहे हैं, तो भाई नासिर, तो भाई याद रखना नासिर और नूर अहमद ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सिलेक्शन इसलिए कम है क्योंकि लोगों के पास च्वाइस ही नहीं है, इसीलिए तो दो प्लेयर के ऊपर नज़र रखना है पक्का, नूर अहमद और वो, ठीक है। हालांकि वो तो मैं फाइनल बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपने रिकॉर्ड्स देखा होगा तो इसमें देखा होगा कि आपने फास्ट बॉलर का दबदबा ज़्यादा है, स्पिनर का थोड़ा कम है, ठीक है। वैसे एनवाई इसके बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट किया है हमने, और बैट्समैन पता नहीं कौन से गड्ढे में गिरा दिया हमने, वो समझ नहीं आ रहा मुझे तो, बट ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। प्रॉपर अगर आप मुझसे पूछो कि भाई यहाँ पे क्या करें हम, तो मैंने बोला है कि हाँ हुसैन को जो है आप दे सकते हैं, हुसैन को डिफरेंशियल देख रहे हैं आप तो जी बिल्कुल हुसैन की तरफ से आप जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले मैच के अंदर आप देखेंगे तो मतलब हमेशा नहीं भाई मेरे, इस लिहाज से मैं नहीं दे रहा कि एकदम, हुसैन अच्छा बॉलर है ठीक है, दिक्कत नहीं है। अगर आप पाथिराना को दे देते हो कैप्टन डिफरेंशियल तो फिर आप चलो ठीक है, और भाई बॉलिंग में आप देख रहे हैं तो मैं इनको देना चाहूँगा, एंड पी सॉल्ट ने दोनों मैच के अंदर, तीनों मैच के अंदर आग ही लगाया है लगभग से, तो मैं अधीर को देना चाहूँगा, अधीर इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे तो पर्सनली, तो मैं कैप्टन दे देता हूँ और वॉइस कैप्टन मैं पाथिराना को दे देता हूँ। हालांकि ये मेरा फाइनल नहीं है दोस्तों, मेरा चेंज होगा और ऐसे स्ट्रक्चर बन गया यार, बैट्समैन गए तेल लेने, इतने सारे बैट्समैन बैठ के करेंगे क्या भाई क्या करने वाले बेचारे अपने टीम के लिए। अरे भाई ये क्या है, ये भी डरावना मंजर है जिसे हम लोग अपने समझेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे धुरंधर खिलाड़ियों को हमने छोड़ा है बॉलर्स में कुछ हैं, इसीलिए बोल रहे हैं आपको कि फाइनल टेलीग्राम पे मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और बता दें भाई मेरे, ये कंसिस्टेंट लीग नहीं है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपसे कि जैसे ODI होता है या फिर T20 होता है, टेस्ट मैच होता है तो उसमें थोड़ा सा चल जाता है, टेस्ट मैच में तो फिर भी कोई भी पागल हो जाता है रन मार के चला जाता है ना। जैसे अपने यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल कैप्टन दे दो आँख मूंद के है ना, ऋषभ पंत अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, लोकेश राहुल अभी अच्छा किए हैं फिलहाल में तो ऐसे ऐसे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो डिफरेंशियल कोई एक शेयर आ सकता है इसमें से, बहुत सारे शेयर हैं, इंटरनेशनल चेहरे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। कौन सा चेहरा है जिसे आप नहीं जानते हो, मेरे ख्याल से ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा जिसे आप ना जानते हो, ठीक है, सबको आप जानते होंगे, ठीक है। तो फाइनल टेलीग्राम पे मिलेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, आप विनिंग देख लीजिएगा क्योंकि फाइनल हम टेलीग्राम पे देने वाले हैं और टेलीग्राम पे नया विनिंग टोटल डाला है, चेक कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस।